हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई बिन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 इयर्स एंड मेंटो मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको उससे भी मदद होगा। दूसरा, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया है, करियर पावर से लेकर के बीएससी वगैरह में भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आपके लिए वाकई में जीए में स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी ये मदद मिल सके। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर अपकमिंग वीडियोज के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाय मिस्टेक अगर आप कभी स्किप कर जाते तो हम तो नहीं बोलते, हम आपको जरूर वो सेंड करेंगे। अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप YouTube से ये कभी नहीं कर पाएंगे। अगर करते भी तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको टाइम फ्रेम में करना है, जल्दी करना है, ठीक है, तो आपको डिफरेंट मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, जो इस तरह से 1 मंथ, 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, 12 मंथ के या 24 मंथ के प्लान को परचेस कीजिए। इसका फायदा क्या है कि साल से 1.5 साल, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको 1.5 ईयर का टाइम लग जाता है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि वैसा प्लान लें जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। आप साल भर में दर्जनों एग्जाम दे देते हैं, तो उसके लिए अपडेटेड मटेरियल चाहिए सारे सब्जेक्ट वाइज, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि मेरे पास टेस्ट सीरीज होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए, क्विजेज होने चाहिए, तो ये सारा रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। चौथा पॉइंट, अगर इस समय अगर आप देखेंगे तो जीए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये शुरू से ही रहा है और मेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल, मगर लॉकडाउन के कारण लास्ट 4-5 मंथ में इतने क्वेश्चन नहीं बने, तो वो लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस पॉइंट से ये काफी रिलेवेंट हो जाता है कि आपके पास साल से 1.5 साल के पुराने रिक्वायरमेंट वाले मटेरियल होने चाहिए। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि 12 या 24 मंथ के प्लान को आप ऑप्ट करें। चौथा क्या, ये काफी इकोनॉमिकल है, मतलब न्यूज़पेपर से भी सस्ता पड़ जाता है। अगर आप ये रेफरेंस कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 6,000 का कोर्स आपको 5,400 में अवेलेबल हो जाता है, देन 7,200 यू हैव टू ओनली पे 6,480। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है आपके करियर के पर्सपेक्टिव से, तो जब भी आप कोई प्लान लें तो ये रेफरेंस कोड जरूर यूज़ करें, ठीक है। आपके लिए कंपनी एक और चीज़ कर रहा है कि अगर 6, 12, 24 मंथ के प्लान को आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप कंसिडर जरूर कर लें, तब ये प्लान परचेज करें, ठीक है। तो स्टैटिक MCQ करते हैं, मैंने डेली बेसिस पे आपको डेट वाइज करंट अफेयर देता ही हूँ, प्लस वो भी MCQ के फॉर्म में देता हूँ कि आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा, आपको मैं आपको स्टैटिक ये दिख रहा है, और तीसरा मंथली भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ सभी को देखें और अपने सजेस्टिव जो आपके प्रोडक्टिव सजेशन है मैं उसको कंसिडर करूँगा, तो अपने सजेशन जरूर मुझे बताइएगा कि क्या किया जाए कि और इम्प्रूव हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय का। फर्स्ट, द चिरौ डांस इज फेमस फोक डांस ऑफ विच दीज स्टेट्स, तो गोवा पहला है, मिजोरम सेकंड है, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ है असम, तो आंसर है सेकंड मिजोरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मिजोरम के सीएम कौन है, जोराम था, ये ऐसे ही याद रख सकते हैं जैसे इसमें जोराम तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओली इज अ पॉपुलर स्काइंग डेस्टिनेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। मुझे लगता है कि आप सभी घूमते फिरते होंगे तो उत्तराखंड याद रखिएगा, ठीक है, काफी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ का कैपिटल ध्यान रखेंगे, एक तो देहरादून है, तो देहरादून ये विंटर कैपिटल है, और समर कैपिटल कौन सा है, तो गैरसैंण, कहाँ पे, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी, तो ये सब आप लोगों ने सुना होगा, वैली ऑफ फ्लावर, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ घूम के आ सकते हैं आप लोग। देन थर्ड है लीलाबरी एयरपोर्ट सर्व्स विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट आसाम, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ है कर्नाटक, तो आंसर हो जाएगा आसाम फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, आसाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपने जरूर सुना होगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद कौन सा है, मानस नेशनल पार्क, उसके बाद कौन है, ईस्ट कार्बी एंगलोंग, फिर कौन सा है, नॉर्थ कार्बी, ठीक है, फिर कौन सा है, दिहिंग पटकई, और ये इम्पोर्टेंट इसके लिए हो गया, दिहिंग पटकई 105वां नेशनल पार्क इंडिया का बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दिहिंग पटके, दिहिंग नदी है वहाँ पे और पटके पहाड़ी है, तो इसलिए इसका नाम हटाया गया दिहिंग पटके, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट है, 105वां बना है अभी हाल ही में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। असम के कौन है सीएम, तो ये भी याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट, और कौन है गवर्नर, कौन, तो आपको मालूम ही है, जगदीश मुखी साहब है,
तो लीला बड़ी एयरपोर्ट आसाम। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बांग का पूरा पिकॉक सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरियाणा फर्स्ट, राजस्थान सेकेंड, थर्ड है बिहार एंड फोर्थ है कर्नाटका। तो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम कौन है ये भी याद रख लीजिएगा, बी एस येदुरप्पा। ठीक है, दूसरा गवर्नर कौन है, वजूभाई वल्ला, याद रख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जुलाई फर्स्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? एज विच डे, सॉरी, फर्स्ट कोकोनट डे, सेकंड डॉक्टर्स डे, थर्ड ओशन डे एंड फोर्थ है नेशनल यूनिटी डे। तो जुलाई फर्स्ट याद रख लीजिएगा, डॉक्टर्स डे। इन विच स्टेट मेतूर डैम इज सिचुएटेड? फर्स्ट बिहार, सेकंड केरला, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ इज तेलंगाना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड तमिलनाडु। अच्छा, तो तमिलनाडु के कौन है सीएम? तो ईडा पड्डी। मैं बार बार इसलिए लिखवाता रहता हूँ कि आप लोग को याद ही हो जाए, ईडा पड्डी के पलानी स्वामी, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्वेश्चन है सेवेंथ, गौर मारिया इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड है केरला एंड फोर्थ है उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, छत्तीसगढ़। कौन है सीएम? भूपेश बघेल, ठीक है, और अनुसुईया उके गवर्नर हैं। ठीक है, तो मुझे अगर आपको मालूम है छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कमेंट करके बताइएगा, जैसे भैरमगढ़ है तो वैसे ही बताइएगा, दूसरा कौन सा है वो सब भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, इन विच स्टेट इन द इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड? फर्स्ट है हरियाणा, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है गुजरात। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा कन्फ्यूज मत होइएगा, गुजरात लिखा हुआ है तो। ठीक है, दो बार बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ऐसा। गीता रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फर्स्ट वेट लिफ्टिंग, सेकेंड जूडो, थर्ड बॉक्सिंग एंड फोर्थ टेनिस। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का हो जाएगा फर्स्ट वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, फिरोजपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? झेलम फर्स्ट, सेकेंड सतलुज, थर्ड महानदी, फोर्थ गोदावरी। तो सेकेंड है सतलुज, ये याद रखिएगा। तो रिवर डैम ये सब हमेशा आता रहता है, तो सिटी ऑन डिफरेंट रिवर्स भी आते रहते हैं, कहाँ से उसका उद्गम हुआ ये भी सोर्स भी पूछता रहता है, तो ये सब याद रखिए। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा, तो जरूर बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। और अन अकेडमी से कोई भी प्लान परचेज करते हैं, बैंक SSC UPSC कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ 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 ये यूज़ कीजिए रेफरेंस कोड, इससे मुझे फ़ायदा होगा, PREDHASH। और आप अपने प्रोडक्टिव सजेशन हमेशा दें, मैं उसको हमेशा कंसिडर करूँगा। ठीक है, इसमें और क्या ऐड किया जाए कि आपके लिए यूज़फुल हो, और वो मेरे लिए भी यूज़फुल होता है। अगर आपके लिए वो यूज़फुल है तो मेरे लिए भी यूज़फुल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी आप अपने मुझसे जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में कुछ भी होगा अपडेशन तो वो बताया जाएगा, और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मुझे होप है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे आप अपने सजेशंस, ये क्लास कैसा लगा और क्या इसमें ऐड किया जाए जो आपके लिए वो और प्रोडक्टिव हो जाए। तो बच्चों RRB SSC के लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए समय का। ठीक है, ये मत सोचिए कि अभी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, ये सब निगेटिव थाट्स मत लाइए, एग्जाम तो होना ही होना है। ठीक है, इस पॉइंट सबको अगर कंसिडर करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। और 12 से 10 घंटे मत पढ़िए, मैं तो कहूँगा 12 से 14 घंटे पढ़िए। ठीक है, निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर 6 महीने साल भर अगर ऐसा कर लेते हो तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट पे ना फोकस करें, अगर कोई सब्जेक्ट में आप 35-40 ले आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी स्कोर करने का कोशिश करें, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। आप अपने नोशन के साथ ना भरें कि एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 90% बच्चे ऐसा कर लेते हैं, उनसे ये मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि आप एक इमोशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स होता है आप उसी को और उसको रखना है, ये नहीं कि उसका सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस उसी को दे देना है और उस सब्जेक्ट को भूल जाना है कि दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि पास तो आपको सभी सब्जेक्ट में करने, तो आपको वैसा ही काम करना है कि हम क्या करें कि वो हमारे लिए और प्रोडक्टिव हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्पेशल क्लास में मैं